कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सत्ता में आने पर देश की 20% सबसे गरीब आबादी को सालाना 72,000 रुपए की मदद देने का वादा किया है। राहुल गांधी ने इसे न्याय यानी न्यूनतम आय योजना का नाम दिया है। हालांकि खर्च को लेकर ये योजना सवालों के घेरे में है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने भी इस योजना पर सवाल खड़े किए हैं। पनगड़िया ने कहा कि किसी ने ये नहीं बताया कि इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था कहां से की जाएगी, जबकि खर्च की स्थिति हमेशा तंग रहती है। अरविंद पनगड़िया ने कहा कि अगर आप साल में 5 करोड़ लोगों को 72,000 रुपए देते हैं तो इसमें 3.6 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये रकम केंद्र सरकार के कुल बजट का 13% है। ये रक्षा बजट से भी ज्यादा है, इसलिए ये संभव ही नहीं है कि बजट की 13% रकम इस योजना पर खर्च की जाए। 72,000 रुपया जो है, अगर 5 करोड़ परिवारों को आप दे रहे हो, कुल मिलाकर इसमें जो है 3.6 लाख करोड़ रुपए का खर्चा बैठता है। तो ये खर्चा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है टोटल, उसका टोटल 13% है। विस्तार से किसी ने नहीं बताया है कि कैसे ये 3.6 लाख करोड़ रुपए जो है इसके लिए जुटाए जाएंगे इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्योंकि इसमें ये जो टोटल है आप देख के चलिए, ये हमारे डिफेंस बजट से करीब ज्यादा है। साल 2015 से 2017 तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहे अरविंद पनगड़िया पहले भी इस योजना को मुश्किल और चुनौतीपूर्ण बता चुके हैं। इस योजना से 3 सवाल पैदा होते हैं। क्या इसका लाभ सबको मिलेगा? क्या इसे पारदर्शिता के साथ लागू किया जा सकेगा? और क्या ये राजकोषीय चुनौती नहीं है? वहीं दूसरी तरफ RBI के पूर्व गवर्नर और अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने कहा कि इस योजना के लिए राजकोषीय गुंजाइश बनाने की जरूरत है। उन्होंने न्याय योजना को भविष्य की असरदार योजना बताया था। राहुल गांधी ने 25 मार्च को कहा था कि उनकी पार्टी अगर लोकसभा चुनावों के बाद सत्ता में आई तो 20% गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देगी। जिस परिवार की आमदनी 12,000 रुपए महीने से कम है, उनके खाते में सालाना 72,000 रुपए भेजे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।